अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज ना मैं अपने टांगों की दर्द की वजह से ना आराम फरमा रही हूँ, लेकिन मुझे ब्लॉग तो बनाना ही होता है। देखें, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊँ कि मैं ना कितने अरसे से यूट्यूब पे हूँ, आप सबको पता है। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको भी पता है, जो नए आ रहे हैं वो भी देखें मेरी वीडियो कितनी पुरानी पुरानी है। सही है, तो मैंने बोला यार अभी इसको लेके चलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह की मदद से और आप सबके सपोर्ट से ना मैं इंशाल्लाह अपने चैनल को बहुत आगे लेके जाना चाह रही हूँ। सही है, तो ज़रा आज मेरी तबीयत नहीं सही, मुझसे बैठा नहीं जा रहा मेरे पाँव। एक तो मुझे जो चोट लगी थी टांग का फ्रैक्चर का, आपको मलिक साहब ने बताया था ना, ये वाली टांग नहीं, मेरी सीधी टांग है, लेकिन था इस जगह पर ना सीधी टांग में इधर और ये जगह पूरी, तो वो दर्द मेरा बिल्कुल सही हो गया। सीधी टांग में, उल्टी में नहीं, उल्टी का मैं बता रही हूँ। तो अब ये सीधा ही पाँव है ना मेरा, ये वाला, तो ये मेरा पुराना दर्द, ये तो बहुत पुराना है। वो डॉक्टरी दवाइयों से ये वाला दर्द सही हो गया जिसको इलाज करवाया, ये नहीं सही होने को दे रहा, बल्कि ये बढ़ गया। फिर इधर ये जो नहीं होता है हड्डियाँ, टखने की हड्डियाँ जो होती, इधर भी नहीं जोर दिया जा रहा, और घुटनों में भी मेरे दोनों दर्द है, तो मुझसे ना फिर थोड़ा मैं लंगड़ी हो गई, चल फिर के काम नहीं होता, बड़ी मुश्किल होती है। आजकल नाश्ते में पराठे भी नहीं बना रही, मेरे शोहर को मैं पापे देके भेजती हूँ घर से, वो नाश्ता जल्दी जल्दी में चल नहीं पाती ना, वो खुद भी नहीं बनवाते, वो बोलते छोड़ दो मैं बाहर से खा लूंगा, सिर्फ चाय बना, चाय नहीं छोड़ते ये, चाय तो इनको पीनी होती है। खैर, मैं अभी बैठी थी फ्रूट खाने के लिए, मैंने बोला फ्रूट खाऊं थोड़ी जान बनाऊं, मेरा शोहर बोलते कमजोर हो गई, मैं बोला हाँ हो गई हूँ, आपको लग रही हूँ तो हो गई हूँ। कल लेके आया, उस दिन मुझे अखरोट लाके दिए तो मेरे सारे अखरोट खत्म हो गए, मैंने खा लिए, बोले खत्म हो गए, सही है मैं और ले आऊंगा, वो लाते उधर से ही है, क्या बोलते हैं साकरान जहाँ पे जाते उसी जगह से लेके आते, तो मैंने उनको बताया था हाँ खत्म हो गए, क्योंकि मैंने कुछ मैंने खुद खा लिए, आतिफ को भी दिए, फिर कशिश भी बोली अच्छा माँ बेटा मजे कर रहे हैं, मुझे भूल गए, मैंने उसको भी दिए, वैसे भी देने थे बच्चों को तो देने ही थे, मैं मजाक कर रही थी अपने बेटे के साथ, फिर मैंने कशिश को दिए और वहाँ पे दोनों मेरे दो बड़े लड़के उनको दिए, अपनी सिस्टर को दिए, मेरी सौतन जो है मलिक साहब की पहली बीवी उनको दिए, तो ऐसे बट बट आके किलो अखरोट का पता भी नहीं लगा कहाँ गए। सही है, फिर कल फ्रूट लेके आए थे तो वो भी हम लोगों ने सबने खाया मिल बांट के। और मैं एक बात बता दूं आपको, मेरे पास अभी कैमरा मैन मौजूद नहीं है, तो पता नहीं कैमरा कैसा लगा रहा कैसा नहीं, क्योंकि मैं सेल्फी कैमरा तो यूज करती नहीं हूँ, वो सेल्फी कैमरे का कैमले बोल ली यार, गलत हो गया, सेल्फी कैमरा का जो है ना रेजोल्यूशन बहुत ज़रा सही नहीं होता, खराब कर देता है वो सिस्टम को। तो इस वजह से ना मैं सेल्फी कैमरे को यूज नहीं करती, सही है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बस रख देती हूँ, मतलब बैक साइड कैमरा यूज करते। तो ये भी सारी बातें हो गई, और अभी ना मैं खा रही हूँ फ्रूट और साथ में, अरे इसको सही कर देते, हिलाए ना थोड़ा, जगह जगह से देखो, मैं बेचारी बहुत गरीब हो गई, मेरा कंबल भी फट गया, अभी मैंने मलिक साहब को बोला मुझे आप शॉपिंग करवाएं थोड़ी सी, बोले चल सकती है नहीं इसको शॉपिंग की, बोला शॉपिंग कर लूंगी मैं, आप लेके जाने वाले बने तो उन्होंने मुझे बोला था सही है ले जाऊंगा टाइम मिलेगा तो, फिर मैं जाऊंगी ना तो मैं एक अदद वो लेके आऊंगी रिल्ली बिछाने के लिए, सही है, क्योंकि अभी सर्दियां भी आ रही हैं, वैसे बाहर अभी इतनी धूप तेज निकली हुई है ना, मैं गई थी बाहर अपना जो मैंने काम छेड़ा हुआ टैंकी का, आपको बताया ना मैंने वीडियो में कि मैं टैंकी बनाना चाह रही हूँ खुदाई करके, तो वो काम छेड़ा हुआ मैं गई अभी बाहर ब्लॉग बनाने के लिए, मैं बोला चलो शुरू करती हूँ, तो जब मैं गई तो वहाँ इतनी गर्मी है, माशाल्लाह से कितना प्यारा सा निकला ये देखिए, अच्छा है ना माशाल्लाह से, ये ग्रेप फ्रूट वो लाए थे तो मैंने कल भी खाया, वैसे तो मैंने बोला था मैं जूस बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास जूस बनाने की मशीन तो है ही नहीं यहाँ पे, मेरे दूसरे घर में पड़ी हुई, तो मैंने फिर ऐसे इसको ना खा लिया, कल उन्होंने मुझे दिया था काट के खुद ही, मैं सुस्ती करती हूँ बहुत ज़्यादा खाने पीने में, तो वो ना बोलते हैं कि चीज़ पड़ी हुई होती है बंदा खा लेता है बंदा ख़त्म कर देता है, तो मैंने बोला हाँ खा लूँगी ना, अब अगर मैं आज इसको ख़त्म नहीं करूँगी तो वो शोर करेंगे, फिर वो फ्रूट ला के देखते हैं, फिर उनको घर पे पड़ा हुआ नज़र आता है ना,
बोलते मैंने खाने के लिए लाया, सजाने के लिए लाया, कोई खाता नहीं है, तुम लोग को कदर नहीं है, तुम लोग खाते नहीं हो, तुम लोग चाहते नहीं हो हमारी सेहत बने। अभी मैंने उनको बोला आप अपना कुछ चेंज करके लाना, आज कोई और फ्रूट ला के देना। खैर मैं आपको बता रही थी कि मैं भूल गई मैं क्या बता रही थी। हाँ मैं बता रही थी कि मैं गई थी बाहर, तो ना गर्मी की वजह से मैं अंदर आ गई। मैंने अभी खुदाई करनी थी टैंकी के लिए, जो टैंकी बना रही, खुदाई खुदाई करनी थी। हाँ सही है। और मैंने क्या बोला था, हाँ तो मैंने बोला था कि सर्दियां आने वाली है ना, तो मुझे यहाँ बिछाने के लिए अच्छी सी वो चाहिए, तलाई रजाई रिली। तो वो मैंने अपने शोहर को बोला कि आप मुझे दिला दीजिएगा, तो बोला सही है दिला दूंगा, इसको हटाओ ये क्या बिछा के रखती हो, मुझे ये डांट रहे थे। मैंने बोला सही आप दिला देना मैं हटा दूंगी। ऐसे खाते हैं इसको। वैसे तो मेरे शोहर ने जब मुझे कल दिया ना, इसको पूरा छीला, तो ये अंदर नहीं इसके जो दाने दाने चावलों की तरह वो पूरे निकाल के दिए थे, बड़े मजे के लग रहे थे। ऐसे खाओ तो बहुत कड़वा लग रहा होता है, लेकिन होता बड़ा फायदेमंद है, ठंडा होता है मैदे के लिए, जिगर के लिए। अच्छा फिर घूम के आ जाते दूसरी बात की तरफ। सही है। मैंने असल बात ये करनी थी, ऐसे गर्मी हो रही, नहा के आओ ना, मैं नहा के ही पंखे के नीचे खड़ी हुई, इतनी ऐसा लग रहा सर्दी आ गई, ये कैसा मौसम है कोई बताना जरूर मुझे। सही है। अच्छा मैं आपको ना अपनी आगे की प्लानिंग बताती हूँ। जो बाहर मैं अभी टैंकी के लिए खुदाई कर रही हूँ ना, वो तो मेरा छठा पांच साल मंसूबा है, मैं आहिस्ता आहिस्ता लगी रहूंगी। सही है, क्योंकि मैं आपको पता है भी लंगड़ी होगी। वैसे ना मेरा इलाज कर रहे हैं, करवा रहे हैं, अब उन्होंने ना मुझे डॉक्टरी दवाई बंद कर दी, बोले डॉक्टरी दवाई नहीं खाओ, इससे फायदा तो होगा नहीं, उल्टा आपको कोई नुकसान होगा, साइड इफेक्ट होंगे। तो उन्होंने ना मुझे अभी ला के दिए वो हकीमी दवाई, यूनानी दवाई, तो वो मैं खा रही हूँ। तो बस आप सब भी दुआ करें कि इंशाल्लाह मैं दवाई खा के ना मुझे जल्दी जल्दी आराम आ जाए, मैं पहले की तरह भागू दौड़ू, तो फिर ना मैं काम भी फुर्ती में करूँगी। अभी मैं काम करने बैठती हूँ, मैं इतना थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, घुटनों में दर्द हो जाता है मेरे, और फिर पाँव में तो दर्द है ही, तो मैं ना चल नहीं पाती, फिर तंग आके थोड़ा थोड़ा काम करके छोड़ देती। लेकिन वैसे भी मैं थोड़ा ही थोड़ा करके करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ अकेली होती हूँ, मेरे बच्चे अपने दूसरे घर में होते, मैं जाती रहती हूँ वहाँ पे। मलिक साहब आजकल छुट्टियों पे हैं, लेकिन चक्कर लगाते हैं ना उधर बलोचिस्तान, कोई बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम होता तो चले जाते हैं, वैसे उन्होंने फिलहाल छुट्टियाँ दी हुई हैं तो वहाँ चले जाते हैं, नहीं होता तो यहाँ होते, नहीं होता तो फिर वहाँ होते हैं, क्योंकि आजकल। अच्छा मैं एक और बात बताऊँ आपको, जो दवाई उन्होंने मुझे ला के दी ना मेरे घुटनों के दर्द के लिए और पाँव के दर्द के लिए, वो यूनानी दवाई है, और उसको खाने से जो आजकल बीमारी फैली हुई ना चिकनगुनिया की, वो भी नहीं होती। मेरे गांव में तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक किसी को भी नहीं हुई है, लेकिन जहाँ मेरी सौतन का घर है ना, उस इलाके में सभी को हो गई तकरीबन, बहुत लोगों को हुई है वहां पे, मेरी अपनी बेटी को भी हुई है, कशिश को, फिर कशिश की बड़ी अम्मी को भी हो गई। अभी तो शुक्र है अल्लाह का, मलिक साहब ने इन लोगों का झटपट इलाज करवा दिया फटाफट, तो ये ना अभी आराम आ गया, लेकिन इन लोगों के जोड़ों में कदर दर्द है, कदर दर्द है। अब उनको भी ना उन्होंने वहां से हकीमी दवाई ला के दी है, उन्होंने बोले ये खाओ, डॉक्टरी नहीं खाओ, इससे ना मैदा गर्म हो जाएगा, फिर कोई और साइड इफेक्ट डॉक्टरी दवाई के तो निकलते ही, आपको पता है। अभी कुछ देख के बोला वो अकेली खा रही, पूछ भी नहीं रही, आप खा सकते हैं मेरे साथ, कैसे पूछूं ना, कोई है ही नहीं।
उसको खा के मेरा मुंह का जायका बहुत अजीब सा हो जाता। अभी ना मैं एप्पल खाऊंगी, मैं एप्पल बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन रस वाले जिसमें रस होता है। ये मलिक साहब लेके आ गए गोल्डन सेब, मेरे पास गोल्डन सेब, बोले गोल्डन सेब होते तो अच्छे, लेकिन मैंने बोला मैं तो आपको पता है ना रस वाले खाती हूँ। मेरे लिए जब भी लाते हैं ना रस वाले लाते हैं, इस बार उन्होंने मुझे गोल्डन सेब ला के दे दिए, तो मुझे ना ये बहुत है अच्छे, बिल्कुल ऐसे लगता है नरम बिल्कुल होते हैं ये। कशिश बोलती है रूई खा ली है, पापा को अपने बोली थी पापा मेरे लिए ये वाले सेब नहीं लाना, मैं तो रस वाले खाऊंगी, बोलती है रूई खा ली। मैंने अपना इंतजाम सारा करके रखा है, बार बार सच में उठने का दिल नहीं जाता। पहले मैं सोई हुई थी, देर सो के उठती हूँ बहुत देर से, शोहर मेरे जाते हैं ना घर से, तो उसके बाद ना मैं वापस लेट जाती हूँ, कोई काम काज तो होता नहीं है सुबह, तो फिर मैं वापस लेट जाती हूँ। उसके बाद मैं उठती हूँ फिर 11, 11:30, 12 बजे, इस टाइम पे उठती हूँ। दिल नहीं चाहता यार उठने का, बहुत बहुत लेजी हो गई आपकी भाभी, आप सब दुआ नहीं कर देना मेरे लिए। मजाक कर रही हूँ, करते हैं सब दुआ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप सबने सपोर्ट भी बहुत किया मेरे चैनल को, और जिस दौरान मैं बीमार हुई उस टाइम पे आपने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मुझे याद रहेगा ये। अभी आपको एक और बात बताऊं, बताऊं पता नहीं, हाँ नजर तो आ ही रहा होगा ना, मेरा कूलर देख, मैं जाती रहती हूँ ना उधर बच्चों के पास अपने, यहाँ पे घर छोड़ के चली जाती हूँ ताला लगा के, फिर कभी कभी ऐसा होता है रात को आती भी नहीं हूँ मैं, सही है वहीं रहती हूँ। पीछे से चूहों ने मेरे कूलर की हालत देखो जरा क्या कर दी, कूलर ही खा गए मेरा सारा। अब मैं भी बर्फ डलवाऊंगी जिसमें पानी ठंडा नहीं होगा और उसकी टूटी भी खराब हो गई, कूलर भी खराब हो गया। अब मैं टूटी ला के अभी लेके आई हूँ ना, तब मैंने बोला इसको चेंज करती हूँ टूटी को, कूलर तो मैं यही इस्तेमाल करूंगी, इसको मैं चेंज नहीं करूंगी, भले चूहा खा जाए, चूहे ने खा गया इतना सारा खा लिया, वो अंदर से सारा जो डब्बा नहीं होता उसका कैन कूलर का जो अंदर लगा हुआ होता है वो भी नजर आने लग गया सारा। मैंने अब ना पता क्या चलाकी करी है, जब भी मैं जाती हूँ ना उधर अपनी सौतन के घर, तो मैं ना पिंजरा लगा के जाती हूँ, पिंजरा समझते, डू यू नो पिंजरा, जिसमें वो उसको चूहे को पकड़ते ना वो वाला, सही है। इस वजह से लगा के जाती हूँ कि अगर ये आ भी जाए ना तो उसमें कैद हो जाए, जब से मैं लगाना शुरू किया चूहे ने आना ही छोड़ दिया लगता है उसको पता लग गया यहाँ कोई चक्कर हो गया हमारे पोस का पकड़ने का, इसलिए वो आता ही नहीं है। अब जब मैं रात को सोती हूँ ना, जब इधर होती हूँ तो जब मैं सोती हूँ ना, फिर भी चूहे के लिए वो लगा के सोती हूँ पिंजरा, ताकि वो आए तो उसमें फंस जाए, लेकिन वो आई नहीं रहा इतने दिन से। असल बात तो मैंने बताई नहीं आप सबको, बात वही आती टैंक पे, उसकी बात पूरी करना चाहती हूँ होती ही नहीं है, मैं खाने में मसरूफ हूँ ना कुछ खाया हुआ नहीं है मैंने आज, नाश्ता ही नहीं किया। जब मलिक साहब को भेजी थी ना वो पापे खा रहे थे, उनके साथ मैंने 2-3 पापे खाए, अभी 2-3 पापों से इतनी बड़ी औरत का कुछ होगा क्या, मैं तो माशाल्लाह से इतना सारा खाती हूँ, 3 पापे मेरे लेके आए कुछ भी नहीं है, लगता है ऊंट की दाढ़ में जीरा कंटिन्यू करते हैं बात, सही है। बाहर का टैंक मेरा बनाने का असल मकसद पता है क्या है, कि बारिशें होती है ना तो आप सबने देखा मेरे जहन में कितना पानी जमा हो जाता है। दूसरी बात कि मैं अभी बनाना चाह रही हूँ, जो मैंने क्यारियाँ तो बनी हुई है मेरी मुकम्मल हुई है, अब इसमें मैं बहुत सारे पौधे फल और
फूलों के पौधे ये सब लगाना चाह रही हूँ, सही है, जिसकी वजह से मैंने इस टैंक को बनाया। मैंने बोला चलो बारिश होगी तो उसका पानी इसमें सेव हो जाएगा, और अगर नहीं भी अगर होती बारिश तो कोई मसला नहीं है, मैं टैंकर वैसे मलिक साहब को बोल के तो डलवा लूंगी। सुजुकी वाला आ गया था, मैंने अपनी बात कट कर दी, एक मिनट सबर, मैं पहले अपनी खिड़की बंद कर गया, धूप मेरी आंखों पर पड़ रही, मुझे बुरी लग रही, मुझे तो इतनी तंग करती है ना, मैं उसका कोई ना कोई हल निकाल लेती। मैं आती हूँ खिड़की बंद करके, ये धूप मेरी आंखों पे लग रही, फिर मैं आपको बताऊंगी मैं अपने घर में क्या क्या करने वाली हूँ, और इंशाल्लाह सारे कामों के वीडियोस बना के ना फिर मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो ना मलिक साहब बोल रहे थे कि फ्रूट वगैरह लगाने का कोई वो नहीं है, फ्रूट नहीं लगा, फ्रूट लगने में ना बहुत टाइम लगता है, सब्जियां लगाओ। मैं बोला ये भी आइडिया बुरा नहीं, जैसे कि लौकी, तोरी, भिंडी, कितनी सब्जियां होती है, बैंगन है, करेला है, आलू, प्याज, टमाटर, मिर्ची, लेमन, धनिया, पुदीना, कितनी चीज़ें हैं ना। इंशाल्लाह वो सारी लगा के तो मैं फ्रेश सब्जियां तोड़ के अपनी खाऊंगी, इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला जो है ना मेरे मिशन में मेरा मुझे कामयाबी दे, इंशाल्लाह मैं ये सोच के बैठी हुई हूँ तो ये करूँगी। लेकिन इसको करने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। मैंने मेरे शोहर का इरादा बनाया था, बोला यहाँ पे अगर हम लोग अपनी फ्रेश सब्जियाँ लगाएं तो, मैंने बोला हाँ बात तो सही, फिर बोले थे चलो शुरू करते हैं, आजकल मैं भी छुट्टियों पे हूँ, मैं घर पे ही बैठ जाऊँगा, फिर मैं बाहर जो दूसरे काम होते हैं वो नहीं करूँगा। मैंने बोला नहीं करूँगी, मैं खुद मेरे ब्लॉग बनते रहेंगे। बोले कर लोगी, मैंने बोला हाँ बिल्कुल कर लूँगी, वो मेरी पाँव की वजह से बोल रहे थे, वरना उनको पता है मैं कर लूँगी, मेरे पाँव का मसला है ना इस वजह से, तो इसी वजह से मैं स्लो स्लो, ऐसे भी अपने घर का काम है, कोई पीछे कोई खड़ा हुआ तो नहीं है ना कि भाई अभी जल्दी करना है, ऐसे नहीं टाइम में करना, नहीं मैं अपनी मर्जी से करूंगी, सही है। ये प्लानिंग शेयर कर दी, एक और प्लानिंग है जो मैं शेयर करूंगी इसको, इसकी लोकेशन को चेंज करने के बाद यार भूल जाती हूँ ना, मेरा ध्यान पता नहीं आजकल पता नहीं कहाँ होता है, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही है बात। खैर मैं लोकेशन चेंज करके आती हूँ, एक छोटी सी प्लानिंग और मैंने बनाई हुई है, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह भी शेयर करती हूँ। बस आप सब ने मुझे सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी वीडियो को आप सब लाइक कर दीजिएगा, लाइक समझते हैं ना लाइक को। अब मैं ना थोड़ा, एक तो मेरे व्यूवर्स बोर हो जाते हैं ना, असल में मैं शुरू से जब से व्लॉग बना रही हूँ ना तो मैं एक जगह कैमरा रख के व्लॉग भी बनाती, ये तो आप सबको पता ही है ना, यानी कि मैं कभी कैमरा अभी इधर रखा हुआ है, फिर इधर है, फिर वो एकदम उधर चला जाता है, ऐसे ही आती है ना मेरी वीडियो। तो अभी मैंने कितनी देर से यहाँ रखा हुआ था कैमरा, फिर मैंने बोला अब लुक चेंज करना चाहिए, सही। अच्छा मैं आपके साथ एक और प्लानिंग शेयर करूँ फिर मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। वो प्लानिंग ये है कि जो मैंने मुंडेर बनाई हुई है ना, जहाँ मैंने अपना बोला था कि मैं स्टोव का चूल्हा बना रही हूँ, वो मैंने कैंसिल कर दी, वहां मैं अपनी बैठक की जगह बनाऊंगी, सही है ना, चूल्हे की जगह कहीं और देखती हूँ, वहां नहीं बना रही, ये मेरी प्लानिंग बनी है। तो उसके बाद प्लानिंग तो बहुत लंबी है, अभी बहुत कुछ करूंगी मैं इधर, कि मेरी अलमारी बनी है, इसका दरवाजा भी लगाना है मैंने अलमारी का, सही है, और खिड़की के आगे जालियां लगानी, क्योंकि रात को सोते टाइम पे खिड़कियां मजबूरन बंद करनी पड़ती है मच्छरों की वजह से, इधर जालियां लगाऊंगी ताकि खिड़की खोल के भी बंदा सो जाए तो मसला ना हो। और इस कमरे को पूरा मैं चाह रही हूँ कि व्हाइट सीमेंट लगा दूं, प्लस्तर तो मैंने करवाना नहीं है, व्हाइट सीमेंट लगाना है, ऊपर से वो जो नालियां नहीं होती चादरों की वो बंद करनी है, बहुत काम मेरे घर में, करती नहीं हूं मैं। लेट लेट के भी बोर हो जाती हूँ, अभी तो मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ ना, तो जिस टाइम पे वीडियो नहीं बना रही होती ना फिर मैं मोबाइल में गेम खेलना शुरू हो जाती हूँ बोरियत दूर करने के लिए, वैसे तो इतना टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि सारा दिन काम में ही गुजर जाता है, सही है।
अभी भी मैंने अपने घर का अभी तक कोई काम नहीं किया, बर्तन धोने, पानी भरना है, खाना पकाना है, और क्या करना है, बस आज यही करूंगी और कुछ नहीं कर रही, दिल नहीं चाह रहा और कुछ करने का। एक काम तो भूल ही गई, इसकी टूटी लगानी है अभी कूलर की, कल से आई इसकी टूटी, सही है, वो लेके आ गए थे ना तो वो बोले थे मैं लगा देता हूँ, मैं बोला नहीं मैं खुद लगाऊंगी, मैं व्लॉग बना लूंगी। ये देखे ना, एक छोटे छोटे काम होते हैं ना घर के, तो बंदा ये करता रहता है, लोगों को पता लगता है कि हाँ एक हाउस वाइफ जो है कितनी मेहनत करती है अपने घर को संभालने के लिए, देखभाल करने के लिए, क्या क्या करती है वो खुद ही सब कुछ, है ना कि नहीं, तो अगले को हौसला अफजाई मिलती है फिर वीडियो देख के। अभी मैं अपने कैमरे की सेटिंग दोबारा चेंज करके आई, अब सही है, कमेंट में बताना अभी आप कैसे बताओगे। अच्छा खैर, अभी ना मैं व्लॉग को एंड करूंगी, मैंने आराम बहुत कर लिया, अभी काम जो है ना शुरू होंगे मेरे, फिर मुझे पता लगेगा। खैर अभी सबसे पहले मैंने बताया क्या करना है, अभी मैंने टूटी लगानी, उसके बाद घर के काम निपटाने, फिर शाम में बिल्कुल जब ठंडा मौसम हो जाएगा ना फिर जाऊंगी थोड़ी सी खुदाई आज करूंगी, ऐसे कर करके रोज थोड़ी 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 कर करके ना तो मैं अपना काम मुकम्मल करूंगी, सही है। ये मैंने अभी खुद ही छोड़ा है, मेरा मुंह कड़वा कर दिया था इसने, मैं अब इसको थोड़ी देर बाद खाऊंगी। कोई समझा इशारे में मैंने क्या बोला है, इतना भी नहीं समझे आप सब आज तक, इसका मतलब है कि वीडियो एंड कर रही हूं, इसका मतलब है कि मैं खा रही हूं बोल नहीं पा रही, कोई समझता ही नहीं मेरी बात को, शॉर्ट फॉर्म में समझा करें ना, शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया करूंगी मैं सबको फिर। चलो खैर अब मैं जा रही हूँ, आप सब प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अभी मैं ना बताइए क्या करूंगी, टूटी लगाऊंगी ना तो उसका एक व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूंगी, आप सब जरूर देखें, मैंने पीने का पानी नहीं भरा हुआ अभी तक उसके अंदर, वो है तो थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें, लेकिन मुझे ताजा भरना है अब उसमें, तो टूटी लगाऊंगी तो भरूंगी ना, सही है। अब मुझे इजाजत है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे से कॉन्टेंट लाने वाली हूँ आगे, आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल कॉन्टेंट होंगे वो, उसमें कुछ मजाक होगा, कुछ मस्ती होगा, कुछ ऐसे काम होंगे ना जो देख के दुनिया हैरान हो जाएगी, सही है। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से मैं ये करने वाली हूँ, तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा, नमाज की पाबंदी कीजिएगा, तो मुझे भी सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।